अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, ईगो ईगो। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को आंसर देने आ गया हूँ। ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे पढ़कर खुश इंसान भी दुखी हो जाएगा और दुखी इंसान खुश हो जाएगा? वो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी गाइस, अगर आप कोई मुसीबत में हो तो याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आपका सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कभी आप पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमेशा तैयार रहिए हर चीज के लिए, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल। एक बारी वेख के ता हस दिया कर, तेन वेखे बिना दिन लंघदा नहीं। इत्थे आ लोकेशन ता दस दिया कर, मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं। क्या बिना नमाज के रोजा कबूल होता है? क्या रोजे की हालत में नमाज नहीं पढ़ने से जो है नमाज का गुनाह मिलेगा और रोजे का सवाब मिलेगा? कई लोगों का ऐसा सोचना है और कई लोग ऐसा करते भी है। अफसोस, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम रोजा रह जाएंगे, रोजे का अजहर मिलेगा और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रोजा कबूल हो जाएगा। तुमको ये जानना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82 में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने कहा है कि इंसान को मुशरिक और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज क्या है? वो है नमाज। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज तर्क कर देता है, तो नबी करीम सिचुएशन के हिसाब से सुखी इंसान वही है जिसके पास 8 GB रैम वाला मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पबजी, टिकटॉक और लूडो भी है, घर में फ्री वाईफाई का कनेक्शन भी है, और हाँ, बेड के पास में चार्जिंग का पॉइंट भी है।